दरगाहों पर होती कव्वालियां खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देती हैं। हमारा पैसा भी जाता है, वक्त भी जाता है, और साथ साथ कव्वालों के कुफरिया शिरकिया अशआर सुन करके हमारा ईमान भी चला जाता है। देखिए और सुनिए। राम रटो राम रटो राम भजो, राम के नाम में है शांति इसको समझो। राम के नाम से जिसको न मोहब्बत होगी तो उसकी हर तरह से बिगड़ी हुई हालत होगी। धारे नदियों के भी धारे नदियों के भी बहते हुए रुक जाते हैं, और राम के नाम से पत्थर भी पिघल जाते हैं। बावजूद इसके हम इनको कंधों पर उठाए फिरते हैं, आराम का करोड़ों रुपए हम बर्बाद कर देते हैं। अगर आप गौर करें, जरूर गौर करिएगा, नहीं किया है तो करिए। जिन जिन बुजुर्गाने दीन के आसानों पर ऐसी खुराफाती कव्वालियां होती हैं, वहां मुत्तसिल मस्जिद जो है उस मस्जिद में आपको इमाम नहीं मिलेगा। 5000 का इमाम नहीं रख पाते, और अगर इमाम मिलेगा तो 5000 की तनख्वाह होगी। लेकिन एक रात की कव्वाल के लिए एक एक कव्वाल को हम 1.5 से 2 लाख रुपए दे देते हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारी आवाम किस तरीके से इन पर फौरन पैसा निछावर कर देती है। वे समझती है कि हमारे बस्ती के हैं, बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े कहे जाने वाले मुअज्जज कहलाए जाने वाले लोग आते हैं चंदा के लिए। हमारी आवाम का फर्ज ये बनता है कि उनको वापस कर दें दरवाजे से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला ताअनु अलल इस्म वल उदवान। आप बुराई के काम में, गुनाह के काम में किसी की मदद नहीं कर सकते। अगर मदद करेंगे तो गुनहगार आप भी होंगे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने कोई बुरा काम ईजाद किया, फिर जितने लोग उसमें शामिल होंगे वो सारे के सारे गुनहगार होंगे। और इन सबका गुनाह अगरचे लाख लोग इकट्ठा हुए, उन ऑर्गेनाइजर्स पर आएगा जिन्होंने ये सब कुछ इंतजाम इंसराम किया है। हमारी कौम को चाहिए कि इन बुजुर्गाने दीन के नाम पर ऐसी खुराफात होती हैं उनसे कहिए, जो चंदा लेने आते हैं उनसे कहिए आप कि क्या आप वहां पर एक उन बुजुर्गाने दीन के नाम से, जहां जहां भी आरास होते हैं बुजुर्गाने दीन के नाम से, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलते, अस्पताल बनाइए, आप स्कूल बनाइए, गरीब बच्चियों की तंजीम बनाकर के शादी करिए। कितने काम करने के हैं जो हमारे लोग इलाज नहीं करा पाते, उनका इलाज कराइए। जिनको खाने को नहीं उनका खाना दीजिए। क्या ये काम नहीं हो सकते? ये भी हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। और इसमें हमारी कौम की गलती है कि वो ऐसे कामों पर मदद करती है। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत फरमाए और इनसे बचने की तौफीक दे।